सो वी गोना ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिसमें नियो भाई ने अक्यूज किया है कि मेरा एंड सिड भाई का या फिर सोल एक्स ग्लोबली स्पोर्ट्स का टीम अप था गॉड लाइक को फिनिश ऑफ करने के लिए, उनको रोकने के लिए। और जो मुझे मैसेज आया कि चार प्लेयरों का सपना तोड़ा गया था इंटरनेशनल जाने का, उसमें तेरा हाथ है, तेरी वजह से ये हुआ है। ठीक है, सबको पता है क्या हो रहा था, पूरी कम्युनिटी को दिख रहा था। ठीक है, सामने से भी एलेज किया गया था कि गॉड लाइक एंड टीम टू, मैं नाम नहीं लूंगा, एवरीबडी नोज दैट, गॉड लाइक एंड टीम टू मिलके एक टीम को पूरा जोर लगा के रोक रही है। वो दिख रहा है, वो वेन्यू में सबको पता है, 16 की 16 टीमों को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब उनपे एलिगेशन लगते हैं तो मांगा जाता है प्रूफ, बट भैया जी कुछ भी आ गया, भैया जी तो चलो मैं हूं, नियो भाई आते हैं बिना किसी प्रूफ के एलिगेशन लगा के जाते हैं। हाँ, जो मैसेज आया है इन गेम कि भैया ऐसे ऐसे आपको टारगेट किया जा रहा है, इट्स द वर्ड टारगेट नॉट टीम अप, इधर से आप कह रहे हो कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सोल और ग्लोबली स्पोर्ट्स केम आउट ऑफ द सिलेबस, और स्टोरी पे आप लिख रहे हो कि देख लो जी मैच शुरू होने से पहले ही पता लग गया था, आने दे। तो भाई एक चीज बोल लो, या तो तैयार थे या नहीं थे, एक चीज। दूसरी चीज बोली जा रही है कि मायावी से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो जा जाके टीम्स को बोलेगा कि वो टारगेट करेगा, वो थर्ड पार्टी करने आएगा। मैं क्यों ना करूं, एक ही दिन का फाइनल है, 6 दिन के मैचेस हैं, 200% पता है कि सोल गॉडलाइक को टारगेट करेगा ही करेगा, क्योंकि गॉडलाइक और टीम टू ने पूरी जोर लगाई है कि सोल क्वालिफाई ना करे। अब वो टीम अगर क्वालिफाई कर जाएगी तो डेफिनेटली वो तो 6 के 6 मैच टारगेट करेगी, और बीइंग अ कॉम्पिटिटर हमारा फर्ज बनता है वहां पे थर्ड पार्टी करने का। मैं तो अभी भी करूंगा, आगे भी ये चीज होगी, मैं तो तब भी करूंगा।